गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम भावना फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल. सो दिस इज़ आवर साइंस क्लास एंड टुडे वी विल डू रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 and 2, द वर्ल्ड अराउंड अस. क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ए पार्ट, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में हमें डिफरेंस बताना है. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. जो प्लांट्स होते हैं ना, वो किससे ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटा की हेल्प से. प्लांट्स कैन नॉट मूव, और जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते. इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग. जो प्लांट्स होते हैं वो तो सिर्फ स्टोमेटा की हेल्प से करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं. इनके ऑर्गन्स भी अलग अलग होते हैं. प्लांट्स कैन नॉट मूव बट एनिमल्स कैन मूव फ्रीली. प्लांट्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल थिंग्स, गिव एग्जाम्पल ऑल्सो. नेचुरल थिंग्स कितने टाइप की होती है और उसके एग्जाम्पल्स भी बताने हैं. देर आर 2 types ऑफ नेचुरल थिंग्स. नेचुरल थिंग्स 2 types की होती हैं. एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज़ नेचुरल. सम नेचुरल थिंग्स हैव लाइफ लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स. कुछ नेचुरल थिंग्स ऐसी होती है, जैसे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स, इनमें क्या होती है? लाइफ यानी जीवन होता है. और कुछ नेचुरल थिंग्स ऐसी होती है जिनमें लाइफ नहीं होती, जैसे माउंटेन, रिवर्स एंड रॉक्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स. मैन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं? आंसर इज़, द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. वो चीज़ें जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं वो क्या कहलाती है? मैन मेड थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 4 इज, राइट एनी 4 characteristics ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स के कोई भी 4 characteristics बता रहे हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. 4 characteristics आर, फर्स्ट वन इज़ नॉन लिविंग थिंग्स कांट ब्रीथ. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ नहीं कर सकते. सेकेंड इज़ नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो. ये ग्रो भी नहीं कर सकते. थर्ड इज़ नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील. ये महसूस नहीं कर सकते. एंड फोर्थ इज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव. और ये एक जगह से दूसरी जगह पर हिल भी नहीं सकते. नाउ एक्सरसाइज वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2. फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. जो ऑप्शन करेक्ट है हमें उसमें टिक करना है. ए पार्ट, द पार्ट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड. जो ग्राउंड के अबव पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शूट. सो राइट आंसर इज शूट. बी, टैप रूट इज फाउंड इन. जो टैप रूट होते हैं वो किसमें पाई जाती है? मस्टर्ड यानी सरसों में. स्टेम ऑफ बनाना इज हार्ड, वुडी, सॉफ्ट. नन ऑफ दीज. स्टेम ऑफ बनाना इज सॉफ्ट. टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ आर कॉल्ड. जो छोटे छोटे छेद होते हैं लीफ के सर्फेस पे, उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा. तो आज के लिए हम इतना करेंगे. कल हम इसकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग्स हैं एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनकी रिविज़न करेंगे. ओके, और आप अपने आप को यूटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 and 2 आपके यूटी का सिलेबस है. थैंक यू.